हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के बारे में, और सेंट जेवियर्स कॉलेज की तरफ से वेब डिज़ाइनिंग कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। आप सभी का एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये कोर्स आपके लिए ऑनलाइन ऑफ़र किया जाएगा, आप घर बैठे ये कोर्सेज को कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्सेज है, स्किल बेस्ड कोर्सेज है और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वेब डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज में करना, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ये आपके लिए इस वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगा, और जो भी आपका बेसिक सा डिटेल होगा, लाइक फ़ीस क्या रहने वाला है, आपका कब तक आप अप्लाई कर पाओगे, एलिजिबिलिटी क्या है वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल है, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट कब तक है अप्लाई करने का, तो पूरा प्रॉपर डिटेल होगा। हम लोग इस वीडियो के एंड होते होते सारा इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। अभी हम लोग ऑफिशियल साइट पे ही आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स है, वेब डिजाइनिंग एंड प्रोग्राम एडवांस HTML विथ CSS JavaScript एंड PHP, ये कोर्स का नाम है। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर कोर्स डिटेल पे इन्होंने बोला है, मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आपके लिए PDF डाउनलोड हो जाएगा, इसमें मतलब इन्होंने कोर्स कंटेंट दे रखा है, लाइक इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, इसमें क्या डोमेन नेम, DNS, क्लाइंट एंड सर्वर सॉफ्टवेयर, स्टैटिक डायनेमिक वेब पेज, ये मतलब ये कोर्स कॉन्टेक्ट है, इसमें बस कॉन्टेंट है सॉरी। तो इसमें क्या क्या आप पढ़ोगे, ये पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी ओरिएंटेशन होगा जब क्लासेस करने जाओगे, तो वो लोग आपको फर्स्ट डे में आपको डिटेल में बता देंगे आप क्या क्या पढ़ने वाले हो ड्यूरिंग ये कोर्स करते टाइम, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिटेल को जान लेते हैं। ये ध्यान रखिए, मोड ऑफ टीचिंग जो होगा ऑनलाइन होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम के तरफ से ये आपको पढ़ाया जाएगा, तो काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिलने वाला है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको पढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा। ये ड्यूरेशन जो रहेगा 10 वीक का रहेगा, यानी 10 हफ्ता का रहेगा। ऑनलाइन टीचिंग असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पे आपको मतलब ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, असाइनमेंट्स दिया जाएगा, प्रोजेक्ट भी वो लोग देंगे। टोटल क्रेडिट इसमें 2 क्रेडिट रहेगा। एलिजिबिलिटी जो रहेगा, बेसिक्स ऑपरेशन एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको जो भी बेसिक नॉलेज होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप कर सकते हो, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप अगर आप 10th पास आउट हो या 12th पास आउट हो या ग्रेजुएट पास आउट हो, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। क्लासेस टाइमिंग जो रहेगा सैटरडे को रहेगा, ठीक है, 5 बजे शाम में 5 बजे से 8 बजे के बीच, और संडे को रहेगा शाम में 4 बजे से 7 बजे के बीच। यानी वीकेंड बेसिस पे आपका क्लासेस चलने वाला है, 2 दिन आपका क्लासेस चलेगा, एक सैटरडे को शाम में 5 से 8, संडे को शाम में 4 से 7 बजे। और आपका क्लासेस जो कब से स्टार्ट होगा, तो ये क्लासेस आपको 16 नवंबर 2024 यानी 16 नवंबर 2024 को आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक आप एडमिशन ले पाओगे, तो 13 नवंबर यानी 13 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोर्स का जो फीस आप देने वाले हो 4800 आपको देना होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके पास लैपटॉप रहना ज़रूरी है या डेस्कटॉप रहना ज़रूरी है, एटलीस्ट आपके पास विंडो 10 रहना मस्ट है, तभी आप ये कोर्स को कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बता रखा है, ऑनलाइन एडमिशन ऑन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज, यानी आपका जो एडमिशन होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज होगा, यानी पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, जब फॉर्म फिलअप करने जाओगे, तो जो भी आपका कोर्स का फीस है वो फीस आपको पेमेंट करना होगा, तभी आपका एडमिशन कन्फर्म होगा, ठीक है। वो मैंने बता दिया फीस कितना है, क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब तक है अप्लाई करने का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया पॉइंट को, प्रिंटिंग फैसिलिटी आपको मतलब मिलेगा, यानी जो फॉर्म फिलअप कर लोगे तो आपको प्रिंट कर पाओगे वो फॉर्म का, और जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको अच्छे से आप मतलब समझ लीजिएगा, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने से पहले। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा कॉलेज के वेबसाइट पे, दूसरा कहीं आपका अवेलेबल नहीं होगा, ऑफलाइन भी आपके लिए अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा, टोटली यही साइट पे आपको अवेलेबल करवाया जाएगा।
नो प्रिंटेड फॉर्म विल बी इशू बाई कॉलेज, कोई प्रिंटेड फॉर्म आपको ऑफलाइन नहीं दिया जाएगा, टोटली आपका ऑनलाइन है जैसा मैंने बताया। आपको कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है फॉर्म फिलअप करते टाइम, एक तो आधार कार्ड को अपलोड कीजिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ को मतलब अपलोड कीजिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द फॉर्म पे द फी ऑनलाइन, यानी जब फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा उसके बाद जो भी फीस आपका है कोर्स का फीस वो आपको जमा कर लेना है जो मैंने बताया। उसके बाद आपको आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड द प्रोविजनल एडमिशन शीट एंड टेक ए प्रिंट आउट। जब आप फीस पेमेंट कर लीजिएगा तो आपको डाउनलोड कर लेना है प्रोविजनल एडमिशन शीट एंड प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि जब जाइएगा मतलब कॉलेज में सॉरी ऑनलाइन आप क्लास कीजिएगा तो ये आपके लिए मतलब सही है, मतलब वो रख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी आपसे मांगा जाए। और इसके बाद जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्रिंट आउट कर लीजिएगा उसके बाद मेल टू द एडमिशन सीट टू कंप्यूटर डॉट सेंटर एट द रेट sxccal.edu पे आपको मेल करना होगा, ठीक है। यानी जो प्रोविजनल एडमिशन सीट को डाउनलोड कीजिएगा ना तो उसको मेल कर लीजिएगा कंप्यूटर डॉट सेंटर एट द रेट sxccal.edu पे आपको मेल कर लेना है, ठीक है। बिफोर द बिगनिंग ऑफ क्लासेस कैंडिडेट विल रिसीव द फॉलोइंग बाई मेल, यानी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ आपके जो ईमेल आईडी है उस पर वो लोग कर देंगे, तो इसलिए ईमेल आईडी आप अपना दीजिएगा, एक्टिव दीजिएगा। एक तो आपको लिंक फॉर एमएस टीम यानी लिंक वो लोग देंगे एमएस टीम की तरफ से, योर यूजर नेम एंड पासवर्ड वो लोग देंगे, जाहिर सी बात है जहाँ पर आपको करोगे क्लास तो वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा तो वो आपको देंगे वो लोग। क्लासेस शेड्यूल आल्सो बी अवेलेबल इन एमएस टीम कैलेंडर, और जो भी क्लासेस शेड्यूल होगा वो जो भी कैलेंडर होगा एमएस टीम की तरफ से वो लोग देंगे, इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रॉपर वो लोग दे देंगे आपके मेल पे। अब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, यहीं से आपको अप्लाई करना है। जो लोग अप्लाई कर लिए आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन सबमिशन यहाँ से वो लोग लॉगिन करेंगे, आप अप्लाई कर लीजिएगा तब आपको, अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। ये वेबसाइट पे आपको आ जाना है, सबसे पहले संजय बेस कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के ऑफिशियल साइट पे आइएगा, वहाँ पे आने के बाद ऊपर ही दिखिएगा वेब डिजाइनिंग करके आपका दिखेगा, सबसे ऊपर ही आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक कर लीजिएगा ये वाले साइट पे आ जाइएगा, यहीं पर आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा पोर्टल आपका खुलेगा कंप्यूटर सेंटर एंड सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़, तो ये इन्होंने मैंने बताया जो है वही इन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे कोर्स फीस 4800 है, जहाँ पे स्टार मार्क है रेड कलर में वो कंपलसरी है फिलअप करना। जब आप सारा चीज़ें कंप्लीट कर लीजिएगा फीस जमा कर लीजिएगा तो आप प्रोविजनल एडमिशन सीट को डाउनलोड करके ये वाले मेल पे कंप्यूटर सेंटर एट द रेट sxccal.edu पे मेल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ें दिया जा रहा है इसको सही से फिलअप कीजिएगा, ठीक है, कहीं पे भी गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि मॉडिफिकेशन का आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी फ़ोन मोबाइल ईमेल वगैरह दीजिएगा सही से दीजिएगा, एक्टिव दीजिएगा, ठीक है। देख सकते हो नाम अपना डालिए यहाँ पे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम जेंडर अपना डेट ऑफ बर्थ रिलीजन कम्युनिटी डिफरेंटली एबल है या नहीं ब्लड ग्रुप पर्सनल डिटेल में आपको एड्रेस पूरा फिलअप कर लेना है, आपका पिन कोड मोबाइल नंबर स्टूडेंट ईमेल वगैरह जो भी आधार नंबर अपना दे दीजिएगा। उसके बाद एकेडमिक डिटेल में आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हो क्लास टेंथ से मतलब मिनिमम क्लास टेंथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जिनको भी अप्लाई करना है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है तो कर लीजिए, आधार कार्ड अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे टिक करके सारा चीज़ें देख लीजिएगा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट वगैरह कर लेना है, फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको जैसा मैंने बताया वो मतलब क्या कीजिएगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर को डाउनलोड करके मेल कर देना है सिंपली। तो चलिए होप ये डिटेल आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो ऐसे ही आपको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको डेफिनेटली इस चैनल पे बताते रहता हूँ। अगर आपको ये कोर्स में इंटरेस्टेड हो करना चाह रहे हो, काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट अगर आपको इंटरेस्ट है ये कोर्सेज में करने का। तो चलिए, तो अगर जिनको अप्लाई करना अप्लाई कर लीजिए, आपके पास अच्छा खासा टाइम दिया गया तो आप अप्लाई कर लीजिए टाइम से पहले, ठीक है। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।